स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। देखिए, भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में, ठीक ना, डिफेंस की जो जितनी भी चीज़ें हैं उसके यहाँ से निर्यात करने में 2022-23 में लगभग 15,920 करोड़ रुपया कमाया है, जो 2016-17 के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हथियारों के जो निर्यात है उसमें ग्लोबल कम्पिटिटिव मार्केट में भारत भी एक मजबूत स्थिति दर्शा चुका है, ठीक ना। ये सारे जो निर्यात हो रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, स्वदेशीकरण, जो स्वदेशी हथियार है उसको यहीं पे बनाया जाएगा और, ठीक ना, अपनी देश की ज़रूरत के लिए स्टॉक रखने के बाद जब उसे निर्यात किया जाएगा, दूसरे देशों की जिसकी ज़रूरत है उसे निर्यात किया जाएगा, चाहे वह आपको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या फिर ढेर सारे मिलिट्री हार्डवेयर हो, मिसाइल हो या फिर रडार हो या ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल हो। लगभग विश्व के 85 देशों ने, ठीक ना, भारत से जो हथियारों का जो निर्यात हो रहा है उस पर उन्होंने सहमति जताई है, दिलचस्पी जताई है। इसमें आपको आकाश मिसाइल है, अस्त्र है, सोनार है, रडार है, टैंक है, और हाल ही में मिस्र ने लगभग 20 तेजस जो फाइटर जेट होते हैं उसको उन्होंने मंगाया है, खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। अर्जेंटीना ने भी 15 तेजस विमानों पे इंटरेस्टिंग दिखाई है, मतलब उनको रुचि दिखाई है कि वो इसे खरीदना चाहते हैं। फिलीपींस एक देश है, तो फिलीपींस ने भी 155 mm का जो गन होता है उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा फिलीपींस ने जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं स्वदेशीकरण, जो हथियार यहाँ पे बन रहे हैं स्वदेशी के तहत बन रहे हैं और इसका जो निर्यात है अलग अलग कैटेगरी में ढेर सारे प्रकार के जो हथियार है उसका भारत अब निर्यात करेगा। और भारत जो सरकार है, भारत की जो डिफेंस मंत्रालय है, कहीं ना कहीं 52,000 करोड़ लोकल जो भारत में स्वदेशी रूप से हथियार बनेंगे उस पर इतना पैसा खर्चा हो रहा है। तो स्वदेशीकरण होगा तो स्वाभाविक सी बात है निर्यात बढ़ेगी और रक्षा आयात घटेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।